राम प्रमुख पक्षकार निर्मोही अखाड़े राष्ट्रवादी हनुमंत सेना से राष्ट्रीय अध्यक्ष संत सीताराम दास ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर निर्माण पर 1 जनवरी को दिए बयान पर सवाल उठाए हैं। सीताराम दास ने अयोध्या में हुए धर्म सभा पर सवाल उठाते हुए कुछ संतों के सत्ता मोह पर टिप्पणी की है। निर्मोही अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता संत सीताराम बाबा ने धर्म सभा में सम्मिलित हुए संतों पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि धर्म सभा एक राजनीतिक स्टंट था। वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन किया था राम जी के लिए, पूरे देश को बरगलाया, वह आज आंदोलन सिद्ध हो रहा है कि केवल नोट और वोट के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए आंदोलन था, न कि राम मंदिर बनाने के लिए। अब मैं उन गद्दारों से ये पूछना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ, विशेष रूप से वो जो दिल्ली में अयोध्या में जो धर्म सभा कर रहे थे, उनसे पूछना चाहता हूँ कि अब क्या वो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आंदोलन करेंगे 2019 में? क्या वो 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी का विरोध करेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिन बाबा लोगों ने धर्म सभा करके देश को बरगलाया और ये कहा कि 11 तारीख से अध्यादेश ला करके मंदिर बनाया जाएगा, या तो वो बाबा लोग पश्चाताप करने के लिए, देश की जनता को गुमराह करने में पश्चाताप करने के लिए, या तो वो मोदी जी का विरोध करें, और नहीं तो ये संकल्प लें कि जब तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार रहेगी तब तक हम भारतवर्ष में नहीं रहेंगे, ये संकल्प लेना चाहिए।